अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम आटा छानने से लेकर रोटी पकाने तक के तमाम मराहिल की इंग्लिश देखेंगे और इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ये तमाम वो सेंटेंसेस होंगे जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप ये काम कर रही हों तो अपने बच्चों को इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना और इंग्लिश की वोकेबलरी ज़रूर सिखाइएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। छानने को इंग्लिश में कहते हैं सिफ्ट, SIFT, सिफ्ट। तो मैं आटा छान रही हूँ, इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम सिफ्टिंग द फ्लावर। आटे की इंग्लिश FLOUR फ्लावर है, इसे फ्लोर नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे फ्लावर। आई एम सिफ्टिंग द फ्लावर। आटा गूंदने को इंग्लिश में कहते हैं नीड, KNEAD, नीड। मैं आटा गूंद रही हूँ, आई एम नीडिंग द डो। पेड़े की इंग्लिश है बॉल्स, मैं पेड़े बना रही हूँ, आई एम मेकिंग द बॉल्स। रोटी बेलने को इंग्लिश में कहते हैं रोल आउट, मैं रोटी बेल रही हूँ, आई एम रोलिंग आउट द चपाती। रोटी सेकने को इंग्लिश में कहते हैं बेक, BAKE, बेक। मैं रोटी सेक रही हूँ, आई एम बेकिंग द चपाती। रोटी पलटना की इंग्लिश है फ्लिप, FLIP, फ्लिप। रोटी पलटना, मैंने रोटी पलट दी, आई फ्लिप्ड द चपाती। रोटी फुलाना को इंग्लिश में कहते हैं पफ अप, मैं रोटी फुला रही हूँ, आई एम पफिंग अप द चपाती। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।